हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि मैंने एमबीए क्यों परस्यू नहीं किया, क्या मेरा कैट का परसेंटाइल था, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आगे के लिए क्या सोच रहा हूं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको आंसर करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन जो कि है कि मैंने एमबीए क्यों ड्रॉप किया, क्यों परस्यू नहीं किया। ड्रॉप यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रॉप आउट किया, एक्चुअली मैंने एंट्री नहीं ली एमबीए में। तो इसके मेन कुछ कारण थे, उसमें से एक था मेरा कैट परसेंटाइल। तो मुझे कैट परसेंटाइल मिला टोटल 60% जब मैंने दिया था 2018 में। और अगर मैं कहूँ तो उसमें मेन रीज़न जिसको मैं मानता हूँ कि 60% पे मैं रह गया, वो था इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में मुझे आया था 19% केवल, 19% और DILR में आया था मुझे 73% और QA में 83%। तो मैथ्स का मार्क्स कोई ज़्यादा खराब नहीं था, लेकिन इंग्लिश वाला एकदम आप कहें तो मैं उसको एकदम अच्छा भी नहीं मानता हूँ। एकदम मतलब क्या मतलब, वो एवरेज भी नहीं है। अगर तो आप 100 में 33 अगर पास माने तो मैं फेल ही था इंग्लिश में, एक तरह से 19% में। तो मेरा इंग्लिश का मार्क्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, परसेंटाइल बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मुझे लग गया था कि यार इंग्लिश का RC जो है वो मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें वोकैबुलरीज बहुत हार्ड थे, फिर मुझे समझ में नहीं आ पाता था सेंटेंस और उसके आंसर्स तो और घूम जाते थे। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ MBA नहीं करने से, मैं सिंपल अपना वजह बता रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही थी, इसीलिए मैंने आगे परस्यू नहीं किया कैट दोबारा देना। 2019 में मैंने दोबारा नहीं दिया इस साल, और अगर दे भी देता तो अभी तो मैं अटका ही हुआ होता ऐसे भी। चलिए छोड़िए, वो तो पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट इज कि सबसे पहला रीजन था मेरा कैट का स्कोर, जिसमें कि मुझे इंग्लिश में पता चल गया था कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और टॉप 50 कॉलेजेस जिसमें कि एंट्री होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा ROI मिल सके, तो वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। अगर मैं इस साल बहुत ट्राई भी करता 2019 में तो शायद मैं टॉप 50 में 40-50 के आसपास में कोई कॉलेजेस में घुस पाता। लेकिन मेन था कि मुझे अपना ROI देखना था, क्योंकि मेरे पास ना ही मेरे फैमिली में इतना पैसा तो है नहीं कि मैं एक बार में फुल अमाउंट दे करके MBA कंप्लीट कर लेता, तो मुझे ये EMI पे लेना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आता है ROI का। अब ROI क्या होता है? ROI हुआ यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इशू ये होता है कि अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जिसका फीस लगभग 10-15 लाख तो हर कॉलेज में है दोनों साल का मिला करके, बहुत सारे हाइएस्ट कॉलेज में तो 25 पार है, लेकिन उसमें ROI भी अच्छा मिल पाता है आपको, क्योंकि उसमें एवरेज पैकेज बहुत हाई रहता है और लोएस्ट भी बहुत कम रहता है। जैसे कि आई एम अहमदाबाद देख लीजिए, हाईएस्ट तो करोड़ों में है और लोएस्ट भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम, लेकिन 8 लाख टचिंग है, यानी कि लोएस्ट भी 8 लाख है आई एम अहमदाबाद में। तो अब वो उसका तो अलग बात है यार, वो तो टॉप कॉलेज है, लेकिन अगर आप टॉप 40-50 तक के भी अराउंड आते हैं या उसके बाद की कॉलेजेस में जाते हैं तो कम से कम आपको 15 लाख ऑन एन एवरेज लगने ही वाला है। और 15 लाख अगर आप EMI पे लेते हैं तो मैं आपको उसका स्कीम समझा देता हूं कि 15 लाख लोन पे लेने का EMI पे लेने का क्या मतलब है। 15 लाख EMI लेने का मतलब है 12% एजुकेशन लोन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि होम लोन से ज्यादा महंगा है एजुकेशन लोन इंडिया में। तो 12% एजुकेशन लोन आपको है, तो यानी कि 15 लाख पे आपका 12% पर एनम, यानी कि एनुअली आपका इतना पैसा जाएगा, यानी कि अगर आप माने तो 15 लाख का 12% हो जाएगा लगभग लगभग आपको 1,80,000 रुपए, और 2 साल के आप कम से कम उसको मान लीजिए उस पर कंपाउंडिंग हो जाएगा तो शायद अगले साल वो 2 लाख हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आप लेकर के चलिए कि आप 15 लाख को 19 लाख बना चुके होंगे अगले 2 ही सालों में, जितने सालों में आपके MBA कंप्लीट होगा। यानी कि अगर आपके 2 साल बाद MBA कंप्लीट हो रहे हैं, उतने में आपको वो 15 लाख आपको पे नहीं करना है, आपको पे करना है 19 लाख। अब 19 लाख पे करने के लिए आप जॉब करने चाहोगे, ऑफ कोर्स अब जॉब कितने का मिलेगा वही ROI का सवाल उठता है। अगर आपका कॉलेज का एवरेज है 10 लाख, अराउंड मैं बोल रहा हूँ, 10 लाख भी अच्छा अमाउंट होता है ऑन एवरेज, लेकिन अगर 10 लाख भी है तो आपको ये देखना चाहिए कि हाईएस्ट कितना है और लोएस्ट कितना है, और हाईएस्ट और लोएस्ट कितने अमाउंट में कितने लोगों को मिल रहा है। यानी कि अगर हाईएस्ट सिर्फ 2-3 लोगों को मिल रहा है और जो लोएस्ट है उसमें तो 50% तो अमाउंट वहीं चला गया, तो फिर आप समझ के चलिए कि आप भी कोई अच्छे खासे टॉप हाईएस्ट पैकेजेस में नहीं रहने वाले। अब टॉप किसको मिलता है?
ये भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, टॉप पैकेजेस जो आप देखते हैं आईएम अहमदाबाद में करोड़ों का पैकेज लगता है दो तीन लोगों को, तो ऐसा नहीं है वो दो तीन लोग फ्रेशर्स होते हैं, कतई नहीं भाई साहब। फ्रेशर्स कभी भी उतने हाईएस्ट पैकेज ग्रैब नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल उनके पास वो स्किल्स अवेलेबल नहीं हो जो कि उन कंपनीज को चाहिए। जब आप जॉब कर लेते हो एक दो साल, उसके बाद आप एमबीए करने जाते हो, तो आपका एमबीए प्लस जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो आपको उस करोड़ के पैकेज को लेने में मदद करता है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो आप जो 50 कॉलेज में मैंने बताया टॉप 50 के आसपास में, 60 हो चाहे 40 हो, 45 हो, 65 हो, उसके अराउंड जो भी कॉलेज आते हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि आपको 6-7 लाख के आसपास का ही पैकेज लग सकता है। उससे कम का भी लग सकता है, उससे ज्यादा का भी लग सकता है, मैंने मना नहीं किया, 10 लाख भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग 7 लाख, 7 लाख, 8 लाख के अंदर उनका पैकेज खत्म हो जाएगा। 50% 60% से ज्यादा लोग इसी में सिमट जाएंगे, बाकी मुश्किल से 10-20% लोग शायद 10 लाख लेंगे, 12 लाख लेंगे, 13 लाख लेंगे, और मुश्किल से कोई 25 लाख ले पाएगा जो कि एक्सपीरियंस हो या स्किल्स के साथ आया हो उस कॉलेज में। तो अब यहां पर आपको यहां पे अपना आरओआई देखना पड़ेगा। आरओआई आप ये देख सकते हो कि अगर आप 7-8 लाख के आसपास में निकलते हो तो आपका कटते कटते शायद आपको मिलेगा 6-6.5 लाख पीएफ काटते हुए, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं इधर उधर के आपके पीएफ टीएफ सब जो हो जाते हैं वो आपको 6-6.5 लाख के आसपास में अराउंड हाथ में लेकर के मिलता है। अब अगर आपको 19 लाख रुपए पे करने हैं, 19 लाख रुपए अगर आपको पे करने हैं अपने लोन के, तो आप समझ के चलिए कि आप कितने साल काम करोगे। अल्टीमेटली आप केवल 19 लाख पे नहीं कर रहे हो, उस 19 लाख पे भी अभी आप इंटरेस्ट जमा करते जाओगे जितना साल आप काम करोगे। मान के चलते हैं कि अगर आप 6 लाख कमा रहे हो एक साल में, और फॉर्चुनेटली अगर आप अपने ही शहर में नौकरी करने जाते हो, ये 99% चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन 1% रेयर केस होता है कि आप अपने ही शहर में मान के चलते हैं आप नौकरी कर रहे होगे, तो अगर आप उस समय भी पूरा 6 लाख उठा करके दे देते हो अपने लोन के तरफ, तो 19 लाख में 13 लाख बचता है। लेकिन तब भी वो 13 लाख खत्म नहीं हो गया, वो 13 लाख पे भी अभी आपको एक साल का 12% इंटरेस्ट लगेगा, फिर से दोबारा वो अगले साल 14 लाख या फिर मान के चलते हैं कि 14.5-14 लाख के आसपास में हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही 6 लाख फिर दोगे, फिर वो आ जाएगा 8 लाख, फिर उस पर लोन लगेगा, फिर वो 9 लाख, 9.5 लाख हो जाएगा, फिर आप उसको पे करोगे। तो यानी कि अगर आप पूरा अपना इनकम दे दो, सारा इनकम दे दो जितना भी आप कमाओगे जॉब से, एकदम आप मान के चलते हैं कि आपका कोई एक्सपेंसेस नहीं, आप अपने घर में रह रहे हो, अपने घर में खाना खा रहे हो, जबकि एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस को आप कवर अप कर ले रहे हो कि मैं अपने माँ बाप से ले रहा हूं, तो इन दैट केस में बता रहा हूं, अगर आप अपनी पूरी सैलरी भी देते चलोगे तो भी 4-5 साल लग जाएंगे आपको अपना लोन उतारते उतारते। लेकिन अगर आप उन 99% में आते हो जिसमें कि अगर आप बाहर रहोगे, आपको अपने खर्चे भी देखने हैं, आपको घर में भी कुछ सपोर्ट करना है, आपको इधर उधर भी बहुत सारी चीजें देखनी है, तब आप मुश्किल से शायद 6.5 लाख का जो आपका पैकेज है उसमें से शायद 30,000 अपने लोन के तरफ दे पाओ, 30,000-40,000 मैक्सिमम आप दे पाओगे। तो वो भी देते देते यानी कि अगर आप 4 लाख रुपए भी अगर आप एक साल के दोगे तो भी आपको कम से कम 7-8 साल लग जाएंगे अपना लोन चुकाते चुकाते। तो अगर आप 7-8 साल में लोन चुकाओगे, तो अगर आप 23 में अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हो एमबीए से, और आप 7 साल में यानी कि आप 30 इयर्स के हो जाते हो ऑन एन एवरेज चुकाते चुकाते अपना लोन, तब तक शायद चांसेस हैं कि आपकी फैमिलीज में जो भी, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं, 30 साल तक आप हो जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि आपके घर वाले तो बैठे रहेंगे हमेशा, जो मैं एक एवरेज घर की बता रहा हूं, शादी की आपकी बात चलेगी, आपके रिश्ते की बात चलेगी, एंड यू विल बी कनेक्टेड विथ योर स्पाउस। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप 30 साल जब आप हो जाओगे तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा अपना फैमिली संभालने का, प्लस आपकी वाइफ संभालने का, और अगर बच्चे हो जाएं तो कहना ही क्या है फिर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा कि पहले तो आपने ईएमआई को चुकाने के चलते जबरदस्ती जो भी जॉब आपको मिली आपने की, भले ही हो सकता है कि वो आपके इंटरेस्ट की थी नहीं थी, डजंट मैटर्स, लेकिन अब 30 के बाद भी आप अपने मर्जी की जॉब नहीं कर पाओगे क्योंकि अब आपके ऊपर आपका फैमिली प्रेशर है। तो अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप एमबीए मत करिए, जॉब मत करिए, अपने मन की करिए, ऐसा बिल्कुल मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा बस कहने का यही मतलब था इस वीडियो में कि मैंने एमबीए इसलिए नहीं की क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे कोई एमबीए कॉलेज में जाने से अच्छा है कि आप अभी से जॉब में लग जाओ, या तो जॉब में लग जाओ या तो अपने स्किल्स बढ़ाने में लग जाओ। स्किल्स यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, फिर उसके बाद आपका टेक्निकल स्किल्स, आपके पास एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब में एक्सेल एकदम बन जाओ, एकदम जो कहते हैं ना एकदम प्रो लेवल के आप बन जाओ,
फिर उसके बाद आपको ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स, केवल यही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे स्किल्स सीखने को होते हैं, वो सब आपको आने चाहिए। नहीं तो आप जॉब में अगर सीधा लगते हो तो सीधा अगर आपको 15,000 रुपए भी कोई दे रहा होगा वहां पे शुरुआती स्टेज में, तो भी आप शायद 2-3 साल में जितना कोई MBA वाला कमाएगा और अपने लोन के तरफ पे करेगा, और लोन को देने के बाद जो आपके उसके पास अमाउंट बचेगा, आपके पास तब भी उससे ज्यादा अमाउंट आप कमा रहे होगे उस समय, ये मेरी गारंटी है। यानी कि अगर वो 6.5-7 लाख का पैकेज होगा और मान के चलते हैं कि उसके पास 60,000 रुपए महीना आ रहा होगा और 30,000 उसमें से वो बंदा अपने लोन के तरफ दे रहा होगा, तब भी मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूं कि अगर आप स्किल्स के तरफ ध्यान देते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को अच्छा करेंगे और मन लगा करके अपनी जॉब में काम करेंगे, तो सीखते सीखते 2 साल बाद आप कम से कम 30 के तो ऊपर ही आपका सैलरी होगा। ये मेरा डेफिनेटली गारंटी है। ये मैं गारंटी इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर आप अपने ऊपर स्किल्स से काम करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा और सीखते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तो आप अब फ्रेशर नहीं रहे, आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है उस जॉब से रिलेटेड, उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, तो इसलिए आपकी उनसे ज्यादा सैलरी होगी जो कि वो अपने खर्चे माइनस करने के बाद, यानी कि लोन माइनस करने के बाद, खर्चे नहीं खाली लोन देने के बाद जो उनके पास पैसे बचेंगे उससे ज्यादा बचा लोगे, तो आप तब भी फायदे में रहोगे मेरे हिसाब से। और अब जा करके पॉइंट इज कि उन्होंने जो भी MBA में सीखा वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, अल्ट में तो प्रैक्टिकल लगानी है जॉब में। जॉब में कोई थ्योरेटिकल स्किल काम नहीं आता है, जॉब में काम आता है आपका एनालिटिकल स्किल्स, आप क्या दिमाग से काम लेते हो, क्या आपका थिंकिंग स्किल है, क्या आपका ह्यूमर है, ये सब आपका काम आता है जॉब के समय। तो इसीलिए मैंने MBA ड्रॉप किया है। तो अब पॉइंट इज जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने कैट का बताई दिया स्कोर, अब थर्ड क्वेश्चन उठता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं या मैं आगे के लिए क्या सोच रहा हूं। तो मेरा बस यही अभी थिंकिंग है कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, लॉकडाउन में भी मैं अपने ही ऊपर काम कर रहा हूं, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूं, जैसे कि मैं प्रो वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं फ्रॉम प्रीमियर प्रो, यानी कि एडोब प्रीमियर प्रो, आप जानते ही होंगे वो एकदम प्रो लेवल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि अभी आपको इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सारे इमेजेस उसके झलकी देखने को मिले होंगे जो कि मैंने एडिट किए इस वीडियो को। तो ये तो बहुत बेसिक इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट लेवल तो अभी बहुत आगे आना बाकी है, तो वो मैं चीज सीख रहा हूं। प्लस साथ में मैंने बहुत सारे कोर्सेस सर्टिफिकेट्स जमा किए हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेट्स बहुत वैल्यूएबल है, अंत में आपका स्किल्स मैटर करता है, क्या आपको अभी तक वो चीज आती है, क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो, क्या उससे कंपनी को आप कुछ प्रॉफिट जनरेट करके दे पाते हो, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अल्टीमेटली बस यही था जो कि मैं अपने लिए खोज रहा हूं, और मैं अपने ऊपर टाइम दे रहा हूं ताकि मैं अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकूं। सिंपल सा चीज है, केवल एक ही चीज नहीं है सीखने को, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, वो भी मैं सीख रहा हूं, और आप भी अपने ऊपर टाइम दे करके मैं यही ध्यान दूंगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका अभी कॉलेज खत्म नहीं हुआ, अंडर ग्रेजुएट खत्म नहीं हुआ है, अगर आपके अभी भी 1-2 साल बाकी है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, तो आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्किल्स ही है जो कि आपको सीधा जॉब दिला सकते हैं। भले ही आप MBA कर लेंगे, लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप पहले से जॉब नहीं किए हुए हैं, तो आपका पैकेज जो मैंने आपको बताया या तो उसी के नीचे रहेगा या तो उसके अराउंड रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब आप अपने ऊपर इंप्रूवमेंट पे ध्यान दोगे। तो बस यही था मेरा कहने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद, कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपको क्या क्या करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों का आप अपने ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई सजेशन, कोई सलाह हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो, तो आप, मैंने आपको अभी इतना इंस्टाग्राम हैंडल दिखाया, आप यहां पर आकर के मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका पर्सनल मदद कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं तब भी आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन हुआ तो। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं और कोई ऐसी अपनी इंफॉर्मेशनल वीडियोस में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।